19,000 रुपीस में पोको X5 5G को लॉन्च कर दिया है, लेकिन बहुत सारे भाई लोग ये फोन को स्किप करके 23,000 रुपीस में जो पोको X5 Pro 5G मिल रहा है वो फोन को बहुत सारे भाई लोग खरीद रहा है। आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आप लोगों को 19,000 रुपीस में पोको X5 5G को स्किप करके X5 Pro 5G को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। पोको X5 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया है, 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आया है। इस फोन में मैंने पबजी वगैरह खेला था। देखिए पबजी आप लोग स्मूथ एंड अल्ट्रा करके खेल पाओगे और HDR एंड हाई करके खेल पाओगे। HDR का ऑप्शन इस फोन में नहीं दिया गया है। मैंने इस फोन में पबजी वगैरह खेला था, मैं स्मूथ करके खेल रहा था, अच्छी तरीके से चला, लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं HDR हाई करके खेलने जाता हूँ तब कभी कभार लैगिंग इशू मुझे दिखाई दिया है। मतलब खेल रहा हूँ थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, अटक अटक के चलता है, तो थोड़ा सा लैगिंग इशू मुझे दिखाई दिया है। अगर आप HDR हाई करके खेलते हो, स्मूथ अल्ट्रा करके खेलोगे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। पोको X5 Pro 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया है, 5,20,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है। इस फोन में मैंने पबजी खेला हूँ, HDR सेटिंग में भी खेल पाओगे और स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन भी दिया गया है। गेमिंग इस फोन में तबड़तोड़ चलता है, मैं 5 घंटे के आसपास कंटिन्यू गेमिंग टेस्ट कर रहा था, स्मूथ एक्सपीरियंस दिया है, नहीं तो कोई लैग है, नहीं तो कोई जिटर है, फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ है। स्मूथ एक्सट्रीम करके भी अच्छा खासा चला है और HDR सेटिंग में भी तबड़तोड़ चला है। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, पोको X5 Pro 5G आप लोगों के लिए सबसे अच्छा फोन रहेगा। तो गेमिंग के लिए ऑब्वियसली विनर रहता है पोको X5 Pro 5G। अब चलो बैटरी के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। देखिए कंटिन्यू अगर आप लोग पबजी खेलोगे, दोनों ही फोन आप लोगों का जो स्क्रीन ऑन टाइम है 5 घंटे के अंदर दे देगा। मैं दोनों ही फोन का बैटरी टेस्ट किया हूँ, सिर्फ पबजी खेलकर मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया है 5 घंटे के आसपास दोनों ही फोन। लेकिन जो चार्जिंग है वो थोड़ा सा अलग है। पोको X5 Pro में 67 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है। 0% से 100% फुल चार्ज होने के लिए 50 मिनट लगा है। अगर आप लोगों को चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन वगैरह देखना हो, कार्ट में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे और मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूँ। हर एक फोन को मैं टेस्ट किया हूँ, जो पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊंगा और टेस्ट करने के बाद ही सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पोको X5 5G में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर दिया है। ये 0% से 100% तक चार्ज करने के लिए 1 hour 50 मिनट के आसपास लगेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से वेदर में चार्ज कर रहे हो, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क वगैरह है किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसके हिसाब से 2-3 मिनट फास्ट या स्लो चार्ज हो सकता है। अब चलो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग दोनों फोन के डिस्प्ले को साइड बाय साइड देखोगे, नीचे जो चेन साइड में जो बेजल्स वगैरह है वो स्लाइटली बड़ा बड़ा लगेगा पोको X5 5G में, और थोड़ा सा छोटा चेन, थोड़ा सा छोटा बेजल्स लगेगा पोको X5 Pro 5G में। मैंने दोनों ही फोन में मूवी वगैरह देखा हूँ, देखिए बेजल्स वगैरह छोटा होने की वजह से पोको X5 Pro 5G में मुझे बढ़िया एक्सपीरियंस दिया है। उतना ज्यादा नोटिस नहीं होता है, बड़ा स्क्रीन लगता है, एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब आप लोग पोको X5 5G के पास देखोगे, जब आप लोग मूवी वगैरह देखोगे, बड़ा चेन बड़ा बेजल्स के वजह से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा चिप फील देगा। ऑब्वियसली दोनों फोन को अगर साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करोगे, कहीं ना कहीं मैं पोको X5 Pro 5G को ही पिक करूंगा डिस्प्ले के दिख से। दोनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। स्क्रॉलिंग में दोनों ही फोन स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और आउटडोर ब्राइटनेस भी दोनों ही फोन का बढ़िया है। मैं आउटडोर में भी यूज किया हूँ, कड़ी धूप में भी यूज किया हूँ, दोनों ही फोन का जो ब्राइटनेस है मैं इम्प्रेस हुआ हूँ दोनों फोन के ब्राइटनेस से। दोनों ही फोन के 6GB 128GB वेरिएंट मेरे पास है। दोनों फोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो मेरे को एवरेज लगा है। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन दोनों ही फोन रैम में किल करता है, बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन भी कर देता है जिस जगह से छोड़े थे, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा है जिसको रीलोड करता है, और ये देखकर मैं सच में इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। रैम मैनेजमेंट में पोको को इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। देखिए अगर आप दोनों फोन में से कोई भी फोन खरीद रहे हो, 8GB वेरिएंट के पास देखना, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा रैम मैनेजमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों ही फोन में MIUI रन करता है, यूजर एक्सपीरियंस दोनों ही फोन में आप लोगों को सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्रांड का फोन है, दोनों ही एक ही ब्रांड का फोन है, तो जो यूजर एक्सपीरियंस है दोनों ही फोन में सेम मिलेगा। हाँ जो MIUI है पहले से अभी बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आया है, तो उसके वजह से जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर मिलता है दोनों ही फोन में। बात करते हैं डिजाइन में। डिजाइन में स्लाइटली चेंजेस आप लोगों को मिलेगा। पोको X5 5G में बैक साइड की तरफ ग्लॉसी पैनल पॉलीकार्बोनेट दिया
दिया है, हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह भर भर के आता है अगर आप बैक केस वगैरह नहीं लगाओगे। ऊपर की तरफ कैमरा के चारों ओर ये जो बैक बॉर्डर दिया गया है बॉक्सी का डिजाइन, सच में दोस्तों मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पोको X5 Pro 5G में देखोगे यहाँ पे भी बैकसाइड की तरफ ग्लॉसी पैनल वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन ये फ्लैट एजेस के साथ आता है तो उसके वजह से हाथ में पकड़ने में प्रीमियम जैसा फील देता है, लेकिन ये स्लाइटली हेवी आप लोगों को फील दे सकता है जब आप लोग पहले पहले पोको X5 Pro 5G को यूज करोगे। यहाँ पे भी हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह आप लोगों को आ जाएगा। देखिए दोनों फोन के डिजाइन को साइड बाय साइड देखोगे कहीं ना कहीं मेरे को पोको X5 Pro 5G का डिजाइन बेटर ही लगा। अब चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। पोको X5 5G में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। पोको X5 Pro 5G में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों फोन के कैमरा सैंपल को साइड बाय साइड देखोगे अब लोगों को अलग अलग नहीं लगेगा, सेम क्वालिटी का पिक्चर मिल जाएगा। बोलने में है तो पोको X5 Pro में 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सैंपल से दोनों फोन के पिक्चर देखोगे तो आप लोगों को सेम ही पिक्चर देखने को मिलेगा, क्वालिटी वगैरह सेम ही है। देखिए बहुत सारे फ्लावर का पिक्चर मैंने खींचा था, वो सारे फ्लावर देख लीजिए, हर एक सिचुएशन में दोनों ही फोन बेटर ही परफॉर्मेंस करता है। इवन डायनामिक रेंज में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है दोनों फोन। बैक साइड के कैमरा से जब आप लोग पोर्ट्रेट सैंपल वगैरह खींचोगे वहां पे भी काफी अच्छा शानदार आउटपुट निकलता है, एज डिटेक्शन वगैरह दोनों ही फोन का काफी अच्छा है। सेल्फी कैमरा में ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है दोनों ही फोन, और ऐसे भी यहाँ पे आप लोग ब्यूटी वगैरह को कंट्रोल कर पाओगे फोन के अंदर। साथ ही साथ बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह है वो एवरेज मेंटेन करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉप ऑफ द नॉच है, ऐसा नहीं है, कभी कभार व्हाइट कर देता है, कभी कभार ठीक ठाक मेंटेन कर पाता है। बाकी डिस्प्ले में ये सारे कैमरा सैंपल जो आप लोग देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सारे कैमरा सैंपल आप लोगों को कैसा लग रहा है, किसका कैमरा सैंपल आप लोगों को बेटर लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखिए दोस्त अगर आप गेमिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो ऑब्वियसली पोको X5 Pro 5G के पास ही देखिए, गेमिंग के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और ये दो फोन में से आप कंफ्यूज हो तो आप दोनों फोन में से कोई भी फोन पिक कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है, 19,000 रुपीस के ऊपर नहीं जा सकते हो, पोको X5 5G के पास देख लीजिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसा डाल सकते हो पोको X5 Pro ही देखिए, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी भी मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं हर एक डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।